क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात एक्सपेंशन करना है हमें। ठीक है, अब देखो दो चीज़ है, हमारे पास आइडेंटिटीज हैं तो हमें ये देखना होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज होती हैं तो उसमें भी हम कैसे उसको आइडेंटिटी को यूज करके उस कॉम्प्लेक्स में, जैसे यहां पे अगर देखो तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो कैसे हम इसको यहां पे, जैसे यहां पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे देखो, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं तो यहां तो ये माइनस है ना, ये प्लस है, माइनस लेंगे तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये हमारा, मेरा मकसद था ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो पाएगा। चलो तो ये आप देखो क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अच्छा आइडेंटिटी है तुम्हारे में ए प्लस बी प्लस सी, हाँ तो उसको भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें क्या है, उसमें तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दो फिर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डायरेक्ट लें तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, यही तो होगा, फिर उसके बाद प्लस, अब यहां पे है तो जाहिर सी बात ये प्लस हो गया तो ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ओके प्लस टू इंटू बी इंटू सी प्लस टू इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया x टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लोगे तो एक्स टू द पावर फोर एक्स टू द पावर फोर, ये हो जाएगा टू एक्स टू द पावर फोर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, क्या चीज, टू एक्स क्यूब क्या माइनस में, अच्छा हाँ ये माइनस में होगा, सही कह रहे, ये माइनस में होगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो काट दिया, फिर कौन सा, तो यही तो माइनस में होगा, तो लिख तो दिया, अरे पहले बताओ कहाँ, पहले ये बताओ, ये हाँ तो ये क्या होगा, तो ये तो लिख दिया माइनस टू एक्स क्यूब, ये यही तो है, अरे माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो प्लस में होगा, वन आ गया तो सही है, तो ये माइनस टू एक्स क्यूब लिख तो दिया, अब माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, हो तो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर देन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, यही होगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो चुका है, अब बचा एक्स, तो यहाँ हो गया टू एक्स माइनस टू एक्स, ये भी कैंसिल, यहाँ हो गया वन और यहाँ हो गया वन, प्लस टू हो गया,
ठीक है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो प्लस सिक्स होगा, यही आंसर है, देखो यही है, तो बस इतनी तो बची, आप बताइए सिक्स, ये तो ऑलरेडी है एनसीईआरटी में, तो इसीलिए तो वीडियो असिस्टेंस क्या है, देख लिया ना, वही आपका। तो जब मेरे से देख रहे हो, मेरे में सही आ रहा है, तुम्हारा गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं तुम स्टेप्स में गलती कर रहे हो, हैं? मेरे में गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, मतलब प्रूव नहीं हो पा रहा है, नहीं लेकिन वो कौन से क्वेश्चन है, मेरे में क्या गलत आ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, हाँ फिर 360 को माइनस 58 से करना था, हमने कर दिया था 120, पूरा दे रखा है ना 126, नहीं देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड ये क्या है, दैट इज 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ओके इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, ये वाई क्यू है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा निकालना है, ये ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, तो इसको एक्स एक्स मान लिया, ये हो जाएगा 2x plus 64 is equal to 180 degree, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x is equal to, that is 10 minus 4, 6, 7 minus 6, 1, 1, यही होगा, ठीक है, x क्या हो जाएगा, that will be 58 degree, यानी x कितना हो गया, 58 degree हो गया, ठीक है, तो x, y, q निकालना, तो x, y, q हो जाएगा 64 plus 58, that is 122 degree, ये आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, तो क्यू वाई पी 58 होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस 58, अच्छा तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, तो 58 हो गया, हाँ तो 58 से ही माइनस होगा, अगर वहां पे किया, अगर हो गया है तो वो गलत हो गया है 122 से, ठीक है, बस डन, और एक आंसर ही गलत दिख गया था, मतलब वहां पे, अच्छा तो फिर करेक्ट नहीं किया मैंने, इसलिए मैं क्या अक्सर होता है ना, मैं आंसर बोलता हूँ चेक करने के लिए बार बार हर क्वेश्चन के बाद, लेकिन चलो देखते हैं, अगर उसमें गलत हो गया तो वो सही होना चाहिए, हो गया, ओके, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ओके जज़ाकअल्लाह।